नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बुधवार को मुख्यमंत्री ने अपने समापन भाषण में घोषणा की कि सरकार सभी झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने जा रही है। एक बार फिर उन्होंने जेपीएससी पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर भाजपा नेताओं पर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री ने समापन संबोधन के मौके पर 53 मिनट के अपने भाषण में हर महत्वपूर्ण विषय का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने उन लोगों से अपील की है कि सभी लोग धैर्य रखें, उनकी समस्याओं का 200% समाधान होगा। जिस समस्या का समाधान संभव होगा, उसका समाधान अवश्य होगा। इसी संकल्प शक्ति का ये प्रमाण है कि 65,000 से 70,000 पारा शिक्षकों की समस्या का भी समाधान किया है। शिक्षा मंत्री ने लगातार कई बैठकें की। सोरेन ने यह भी कहा कि झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा परित्यक्ता महिलाओं को भी पेंशन दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए 29 दिसंबर के बाद स्पेशल ड्राइव चलाकर चिन्हितीकरण का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 से 19 तक यहां का माहौल क्या था, उससे सभी वाकिफ हैं। हिंदू, मुस्लिम और अगड़ा पिछड़ा के नाम पर इस राज्य में खाई पैदा कर दी गई थी, लेकिन अब उनकी सरकार शांत वातावरण तैयार कर रही है। इसी का नतीजा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित हुआ है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि समाज के हर तबके की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान निकाल लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यहाँ की खदानों से खनिज तो निकाला जाता है, लेकिन उसे रिसीव नहीं किया जाता। आलम यह है कि अगर झरिया, धनबाद और रामगढ़ में मेडिकल कैंप लगाया जाए तो 90% से ज्यादा लोग टीबी की बीमारी से ग्रसित मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नहीं जाएगा, वो दोबारा इस सदन में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल, जमीन में राज्य के लोगों की आत्मा है। समय समय पर जमीन अधिग्रहण के कानून बने, लेकिन उन्हें प्रभावी नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा ये सरकार सबको साथ लेकर चलती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।